नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आपका अभिलाषा किचन क्वीन चैनल में। तो आज बताने जा रही हूँ मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाना। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वां वर्षगांठ की आप सभी को अभिलाषा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के लोगों को और सभी देश के लोगों को जो भारत से भारतवासियों से प्यार करते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अभिलाषा की तरफ से। तो स्वतंत्रता दिवस हो और जलेबियाँ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और बाज़ार से इस कोरोना पेंडेमिक सीजन में लाना भी ठीक नहीं है। तो चलिए आज बाज़ार की तरफ फटाफट बनाएं घर पे जलेबियाँ अभिलाषा किचन क्वीन के संग। तो चलिए बनाएं ऐसी क्रिस्पी जलेबियाँ कम समय में अभिलाषा के किचन में चल के, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके आप किसी भी रेसिपी के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आज आपको फटाफट जलेबियाँ क्रिस्पी एवं स्वादिष्ट कैसे बनते हैं कम समय में घर पे और कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए दिखाते हैं जलेबी के लिए इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, इस कप से देख रहे हैं, मैं एक बर्तन में डाल दूँगी। इसी कप से मैंने 1 कप चीनी लिया है चाशनी के लिए और थोड़ा सा मैंने इलायची क्रश करके ले लिया, आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं, आधा चम्मच। मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर लिया है, इसे मैं मैदे में डाल दूंगी। और साथ ही मैंने लिया है 2 चम्मच के लगभग दही। दही बहुत ज़रूरी होता है इंस्टेंट जलेबी के लिए, क्योंकि तो जलेबी में जो खटापन होता है वो इसी से आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको अच्छे से मैं मिला दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फूड कलर। मैं ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी, आप रेड या येलो कोई भी कर सकते हैं। तो मैं 1 पिंच के लगभग फूड कलर ऐड कर रही हूँ, देख रहे हैं। इन सबको अच्छे से मिला दूंगी मैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका घोल तैयार करूँगी। तो देखिए मैंने फूड कलर भी डाल दिया है 1 पिंच के लगभग। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका घोल तैयार करूँगी, देख रहे हैं। अच्छे से तैयार करना है ताकि गुठलियाँ ना पड़े। देखिए कितने अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है घोल को। इसे 10 मिनट तक मैं छोड़ दूँगी सेट होने के लिए कि अच्छे से सेट हो जाए मेरा घोल। इसी टाइप से रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं, इस टाइप से। अब चलिए मैं चाशनी दिखा देती हूँ। तो मैंने 1 कढ़ाही लिया है, गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें मैं डालूँगी जो मैंने चीनी ले रखा था 1 कप, और इसी कप से 1 कप मैं पानी डालूँगी। देखिए मैंने पानी डाल दिया, चीनी घुलने तक इसको पकाना है, चाशनी को तैयार करना है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और ना ही इसका कोई तार बनाना है, बस अच्छे से चीनी घुल जाए तो चाशनी तैयार हो जाता है। ऐसे मिलाते हुए मैं चीनी को घोलूँगी ताकि चीनी घुल जाए और चाशनी तैयार हो जाए मेरा। तो जब तक मेरा चाशनी तैयार हो रहा है तब तक मैं दिखा देती हूँ। मैंने 1 दूध का पैकेट लिया है, इसे मैं 1 ग्लास में डाल दूँगी, देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल दूंगी घोल जो मैंने सेट होने के लिए रखा था, इसे थोड़ा थोड़ा करके, देख रहे हैं। आपके पास अगर जलेबी बनाने वाला बॉटल हो तो उसे बना सकते हैं, या सॉस का प्लास्टिक डब्बा में भी छेद करके आप बना सकते हैं। ऐसे कर लूँगी मैं, इसमें 1 रबड़ लगा लूँगी कोन निकाल कर, देख रहे हैं सर। देखिए मेरा चाशनी तैयार हो गया है। अब मैं इसमें इलायची जो मैंने रखा था क्रश करके उसे डाल दूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिला दूंगी और गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। और दूसरी साइड मैंने रखा है 1 पैन, देख रहे हैं, इसमें मैंने ऑयल डाल रखा हुआ है, रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं या घी में बना सकते हैं। तो देखिए मैंने मैदे का घोल थोड़ा सा डालकर देख लिया है गर्म हुआ है कि नहीं, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने जो दूध का पैकेट लिया था उसमें मैंने डाल दिया है घोल को ऐसे, ऊपर से रबड़ लगा दिया है, देख रहे हैं। अब मैं नीचे से हल्का सा कट कर दूंगी जितना मैं अच्छे से निकल जाए। अब देखिए मैं जलेबी बना के दिखा रही हूँ राउंड राउंड, देखिए हम ऐसे राउंड राउंड बनाना है।
कितना अच्छा से बन रहा है, ये बहुत ही क्रिस्पी लगेगा खाने में। देखिए ऐसे करके मैं पूरा बना लूँगी। कितना आसान है जलेबी बनाना घर पे, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप मार्केट का नहीं खा रहे हैं। अब मैं एक चिमटे के सहारे से इसे पलट लूँगी। देखिए कितना अच्छे से मेरा फूल गया है जलेबी, देख रहे हैं। गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। मैं बनकर तैयार हो रहा है, बहुत ही क्रिस्पी जलेबी देख रहे हैं। शायद में जगह बन गई, इधर भी मैं डाल देती हूँ। आप कोई भी साइड शेप दे सकते हैं। लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसा। देखिए कितने अच्छे से लाल हो रहे हैं मेरे जलेबी, क्रिस्पी भी हो रहे हैं। मैंने पलट दिया है। तो 15 अगस्त हो और जलेबियाँ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और पेंडेमिक सीजन में तो बाहर से ना बना, इससे तो अच्छा घर ही में बना लो। तो देखिए अब मैं इसे निकाल लूँगी, निकाल कर इसका तेल गल जाने दूँगी। देख रहे हैं इसे, सभी जलेबियों को निकाल लूँगी, तेल इसका गड़ने दूँगी। अब देखिए मैं इसे डाल दूँगी चाशनी में थोड़ी देर के लिए, और इसी तरह बाकी मैं जलेबियाँ भी बना लूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं चाशनी में छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से जलेबी में चाशनी मिल जाए। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। मैं तोड़ कर आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी कुरकुरी जलेबी हुई है और क्रिस्पी। वाह, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि 15 अगस्त को मैं भी जलेबी बनाकर खा लूँ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा देखते ही, आज ज़रूर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द मैं भी बना लूँ। तो देखिए बाकी जलेबी अभी मैंने डाल दिया है, इतना क्रिस्पी तैयार हो रहा है। और मैंने चाशनी में जो डाला था उसे भी मैंने निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं इसे सर्व करूँगी। तो देखिए जलेबी मेरा तैयार है, कितने अच्छे से क्रिस्पी, देख के बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। देखिए मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है जलेबी। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।